बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कई बार पूछते हैं कि YouTube चैनल बनाने के क्या फ़ायदे हैं या YouTube चैनल कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में मैं उन्हीं सवालों के जवाब दूंगी। नमस्ते, ज्ञान का सार YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम समय समय पर ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि YouTube चैनल क्यों बनाएं या इसकी क्या आवश्यकता है। अच्छा, YouTube चैनल पर चैनल बनाने के बहुत सारे रीज़न यानी कारण होते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी यादें पब्लिक के साथ साझा करना चाहते हैं, तो वो अपनी वीडियोस को YouTube पर डाउनलोड करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। कई बार तो ये वीडियोस इतनी वायरल या फेमस हो जाती हैं कि एक एक सप्ताह में ही लाखों लोग इसको देख लेते हैं और वीडियो बनाने वाला इस प्रकार काफ़ी मशहूर हो जाता है, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी। कुछ लोग अपने विचार वीडियो लोग बनाकर लोगों के साथ शेयर करते हैं और ये व्लॉग भी कभी कभी काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं। कुछ लोग यूट्यूब पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जैसे डांस, सॉन्ग, तो वहीं कुछ लोग मार्केट में नया प्रोडक्ट आते ही उसके रिव्यू की वीडियो बनाकर डाल देते हैं। कुछ लोग एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। कभी कभी तो YouTube के दर्शक TV चैनल से भी ज़्यादा हो जाते हैं, तथा इसी बात का फ़ायदा उठाकर बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां YouTube पर अपनी एडवर्टाइज करके अपने प्रोडक्ट्स तथा सर्विसेज प्रदान करने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार कंपनीज को कस्टमर अट्रैक्ट करने का या और एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ये विज्ञापन YouTube हमारी वीडियोस के माध्यम से ही अपने कस्टमर्स तक पहुंचाता है, तथा YouTube को जो कमाई इन कंपनीज के मालिकों से मिलती है उसी का कुछ हिस्सा YouTube आपको भी देता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका अपना YouTube चैनल हो और आपकी वीडियोस पर विज्ञापन आते हों। विज्ञापन शुरू करवाने के लिए मौजूदा YouTube पॉलिसी के अनुसार आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स तथा 4000 वॉच आवर्स होना अनिवार्य है। बस उसके बाद जब एडवर्टाइजमेंट आपके चैनल पर आने लगती है तो कमाई शुरू हो जाती है। सभी विज्ञापनों के अलग अलग रेट होते हैं। आप कभी YouTube पर वीडियो देखते हैं तो उन वीडियोस के शुरू में या बीच में कभी कभी एड्स आती हैं। बस उसी प्रकार आपकी वीडियोस में भी एड्स शुरू होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। बस आपको करना क्या है कि आप अपना इंटरेस्ट ढूंढिए कि किस साइड में है, और कोशिश करें कि उस टॉपिक पर सबसे बढ़िया कंटेंट्स डालने की। शुरुआत में तो आपको कम व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन दिन ब दिन आप देखोगे कि लोग आपको जान रहे हैं। जिनको आपकी वीडियोस अच्छी लगेंगी वो शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि YouTube चैनल पर चैनल कैसे बनाओगे। आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को नेट से कनेक्ट कीजिए। सबसे पहले तो आपके पास जीमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद आप गूगल में youtube.com पर जाकर YouTube ओपन कीजिए। अब आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब राइट कॉर्नर में देखिए, साइन इन की इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए। अब आप देखोगे कि हम YouTube में लॉगिन हो चुके हैं। अब अगेन राइट कॉर्नर में जाइए। यहाँ पर अपना यूजर नेम का आइकन होगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आपको सेटिंग का आइकन दिखेगा। अब इस पर क्लिक करने से ये एक न्यू पेज ओपन होगा। जब हम इस पेज के नीचे लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ मिलेगा क्रिएट अ न्यू चैनल। बस अब आप अपनी मंजिल के करीब हैं, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब आपको यहाँ पर अपने चैनल का नामकरण करना है।
तो चलिए हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, जैसे सार सार टेक्नोलॉजी। अब इसे क्रिएट कीजिए। अब ये न्यू पेज खुल गया, इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ओके, अभी नया पेज खुल गया। ये देखिए आपका चैनल बन गया, लेकिन अभी इसको आप और थोड़ा सजावट के साथ अट्रैक्टिव बना सकते हैं। या देख ये देखिए, यहाँ लेफ्ट में आपका एक जो कॉर्नर में आप इसमें फोटो लगा सकते हैं, या कोई चैनल का लोगो बना के लगा सकते हैं। किसी और का लोगो मत लगाइए, नहीं तो आपको कॉपीराइट क्लेम का सामना करना पड़ेगा। अब आप एड्रेस बार में देखिए, यहाँ पर आपको अपने चैनल का यूआरएल दिखाई देगा। ये हमने अभी फोटो लगा दी है, लोगो लगा दिया है एक। अभी आप देखिए एड्रेस बार में आपको अपने चैनल का यूआरएल दिखाई देगा। चलिए अगर अब आपको यूट्यूब चैनल बनाना है तो आप क्या करेंगे कि अपने मोबाइल से मेरी ये वीडियो प्ले करके लैपटॉप पे स्टेप बाय स्टेप अपना चैनल बना लीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप चाहते हैं कि आप मोबाइल पर चैनल बनाना चाहते हैं या मोबाइल पर कैसे चैनल बनाएं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं बहुत जल्द इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर डाल दूंगी। धन्यवाद।